हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था ओपन सर्किट टेस्ट का कंसेप्ट देखा था एंड उसमें कुछ इक्विवेलेंट सर्किट देखे थे एंड उसी के कंसेप्ट पे हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी जेई में और अदर स्टेट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमने पढ़ा था, किस लिए डिटरमाइन करने के लिए होता है टेस्ट ये। तो हम देखे थे तीन पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट्स हम देखे थे, मैं यहाँ सोल्यूशन लिख रही हूँ उसका। ओपन सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कोर लॉस डिटरमाइन करने के लिए। एक वॉटमीटर लगाया जाता है, उससे हम क्या करते हैं, कोर लॉस मेजर करते हैं और स्लैश कॉन्स्टेंट लॉस। तो कॉन्स्टेंट लॉस हम डिटरमाइन करते हैं इस ओपन सर्किट टेस्ट से। अगर ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोर लॉस, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोर लॉस आंसर, सी फॉर चेन्नई। लेकिन इसके साथ साथ और फ्रेंड्स क्या कैलकुलेट किया जाता है कोर लॉस के साथ साथ, इसमें शंट ब्रांच पैरामीटर भी निकाला जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये ना दिखाई दे शंट ब्रांच पैरामीटर, तो जो है कोर लॉस लगाइएगा ऑप्शन। और अगर दोनों ही है तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। तो ये याद रखना है, कोर लॉस डिटरमाइन करने के लिए होता है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शंट ब्रांच पैरामीटर, जिसको हम आर नॉट एंड एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते थे। ये हो गया हमारा ओपन सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट जो है ट्रांसफॉर्मर का, इसमें अब चार ऑप्शन दे दिया है फ्रेंड्स आप लोगों को। इसमें से डिसाइड करना है कि क्या कुछ कंडीशन होती है ओपन सर्किट टेस्ट के। तो हमने देखा था ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, कहाँ परफॉर्म किया जाता है, लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म किया जाता है विथ HV ओपन, हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो ओपन होता है। एंड जो हम ओपन सर्किट साइड जो है हम वोल्टेज देते थे यहाँ पर, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा होता था एंड यहाँ एमीटर लगा हुआ था होता था एंड इसके बाद एक वॉट मीटर लगा होता था। तो जो हम यहाँ पर सप्लाई देते थे ये कैसा होता था फ्रेंड्स, ये होता था हमारा रेटेड हम यहाँ पर अप्लाई करते थे। तो ये होता था रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी पे हम सप्लाई देते थे। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्राइमरी इज सप्लाइड एट रेटेड वोल्टेज, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड प्राइमरी इज सप्लाइड फुल लोड करंट, नहीं फुल लोड नहीं होता था, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी होता था। एंड सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्राइमरी इज सप्लाइड करंट एट रिड्यूस्ड वोल्टेज। देखिए रिड्यूस्ड वोल्टेज जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में दिया जाता है, लेकिन ओपन सर्किट टेस्ट में जो है वो रेटेड वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड। एंड थर्ड ऑप्शन, लास्ट जो ऑप्शन है, प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड KVA, तो यहाँ KVA की हमने बात ही नहीं की है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है ए, प्राइमरी इज सप्लाइड एट रेटेड वोल्टेज, ए फॉर अहमदाबाद। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाइल परफॉर्मिंग द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर टू डिटरमाइन इट पैरामीटर्स क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, शंट ब्रांच पैरामीटर जो कि होता था हमारा आर नॉट एंड एक्स नॉट, ये होता था द स्टेटस ऑफ कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो हम जब सर्किट डायग्राम देख रहे थे प्रीवियस क्लास में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा इसी डायग्राम को मैं रीड्रॉ करना चाहूँगी। तो ये हमारा क्या हो जाता था, वोल्ट मीटर कनेक्टेड था प्राइमरी साइड में, एक एमीटर कनेक्टेड था, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी हम सप्लाई में देते थे एंड यहाँ एक वॉट मीटर रहता था जो मेजर करता था हमारा कोर लॉस मेजर करता था, जिसको हम बोल सकते हैं WI आयरन लॉस। एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी साइड था HV साइड, वो हमारा क्या होता था, ओपन होता था, ओपन सर्किट है, तो इसलिए हम बोलेंगे HV ओपन सर्किटेड। तो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन क्या होती है, ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन LV साइड विथ HV वाइंडिंग ओपन सर्किटेड। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा कंडक्टेड ऑन HV, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है, क्योंकि HV साइड में हम कंडक्ट नहीं करते हैं टेस्ट को, कंडक्ट किया जाता है LV साइड में। ये ऑप्शन हमारा दोनों हो सकता है, लेकिन देखिए कंडक्टेड ऑन LV साइड विद HV ओपन, तो हम HV को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सी, सेफर चेन्नई इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उससे वो ऑप्शन पूछ रहा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज टू ऑब्टेन,
तो जैसा कि हम जानते हैं क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए होता है, तो पहला ये दिया हुआ है स्टेटमेंट कोर लॉसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटिंग करंट, थर्ड कॉपर लॉसेस एंड इक्विवेलेंट सीरीज इम्पीडेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉपर लॉस तो इसका बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि कॉपर लॉस हम डिटरमाइन किस में करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करते हैं। तो हम ओपन सर्किट टेस्ट में क्या क्या परफॉर्म करते हैं, कोर लॉस हम डिटरमाइन करते हैं। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटिंग करंट, यस ये भी सही है हमारा, हमने देखा था कैसे एक्साइटिंग करंट जो है वो हम आई नॉट डिटरमाइन करते थे। थर्ड, कॉपर लॉसेस, तो कॉपर लॉसेस हमारा यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि ये हम डिटरमाइन करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है। एंड फोर्थ जो है इक्विवेलेंट सीरीज इम्पीडेंस, देखिए इक्विवेलेंट सीरीज इम्पीडेंस अगेन हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, इसमें जो है वो हम शंट इम्पीडेंस डिटरमाइन करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये शंट इम्पीडेंस डिटरमाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके का कुछ डायग्राम हमने देखा था, ये हो गया हमारा आर नॉट शंट ब्रांच पैरामीटर, एंड ये जो है हमारा एक्स नॉट हो गया, यही हम डिटरमाइन करते हैं। और एक्साइटिंग करंट जो हमारा आई नॉट था, जो कि आ रहा था आई नॉट, ये हम डिटरमाइन करते हैं। तो हम कौन कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, कोर लॉसेस, ये सेकंड जो हमारा आई नॉट होता है वो डिटरमाइन करते हैं, एंड शंट ब्रांच पैरामीटर आर नॉट एंड एक्स नॉट हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो है चार पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट करके, कहीं ना कहीं ऑप्शन चेंज करके ही बनता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर, एंड 1, 2, 3, 4 करेक्ट नहीं हो सकता है, एंड जो अदर ऑप्शन है वो मैच नहीं करेगा, देखेंगे कि आप बी ऑप्शन ही बस मैच करने वाला है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड आप देखेंगे कि ये एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने 5 लिया हुआ है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक ओपन सर्किट टेस्ट से, वो कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन को मिला करके मैच किया गया, ऑप्शन चेंज करके सेट किया जाता है। तो आप जो है मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए, एंड आप क्या कर सकते हैं रिवीजन के टाइम इसको जो है मेन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट को उसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आपका ओपन सर्किट टेस्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स वो 100% श्योर आपसे बनने वाला है, इतने कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं इससे नहीं आता है, क्योंकि जो है वो ESC का क्वेश्चन और गेट के क्वेश्चन में आता है, जनरली जो SSC का क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये हो जाएगा, एट विच कंडीशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर द इक्विवेलेंट सर्किट बी एज शोन इन द बिलो, यानी कि ये इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने पढ़ा हुआ था ये किस कंडीशन में ऑब्टेन होता है। तो अभी हमने बात किया, देखिए यहाँ पर I नॉट आर नॉट एंड एक्स नॉट, तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट का, जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो हम देख रहे थे शंट ब्रांच पैरामीटर, तो इससे जो करंट हमारा फ्लो होता है वो हो रहा था IW हमारा क्या था, कोर लॉस कॉम्पोनेंट था, कोर लॉस कॉम्पोनेंट ऑफ आई नॉट, एक्साइटिंग जो करंट है आई नॉट का वही, उसी का ये कोर लॉस कॉम्पोनेंट होने वाला था। एंड यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था वो हो रहा था आई म्यू, जो आई म्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ आई नॉट। तो आई नॉट के पर्टिकुलरली कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं हम देख रहे हैं, फेजर एडिशन होता है ये किस किस का, IW स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, तो यही हम हमारा हो गया एक्साइटिंग करंट, ये हो गया हमारा कोर लॉस कॉम्पोनेंट, एंड दिस इज मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट, एंड ये जो इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड देखिए ये तो जो है ऑब्वियस है, अगर मैं ओपन सर्किट टेस्ट का MCQs करा रही हूँ तो इसका आंसर जो है ओपन सर्किट ही होता, बट जो है जनरल आपको याद रखना है इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो सकता है इसका। तो ये हो गए हमारे MCQs क्वेश्चन, 5 हो गए, इससे बहुत सारे डेटा आपको मिल सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट फर्दर अपडेट्स, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।